बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो प्रकाश से संबंधित 100% आपको एक से दो प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, अदीप्त वस्तु का उदाहरण यानी जिनसे प्रकाश आप पैदा नहीं करते या वो प्रकाश नहीं देते। तो यहाँ पर जो दर्पण है ये प्रकाश नहीं देता, बल्ब है, लैंप है, तारा, ये सब प्रकाश देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर आप 25 सेंटीमीटर तक से दूरी को देख पा रहे हैं तो आपकी आंखें मतलब सही, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तीन तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश की कौन सी घटना है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो ये बच्चों होती है अपवर्तन की घटना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग कैसा होता है? यानी तीन इधर छोड़ दो, ऊपर से तीन नीचे, तो बीच में कौन सी पट्टी आती, उसका नाम बताना है। तो बैनी हपी नाला के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपका हरा रंग मिलेगा। अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं यानी कौन से लेंस लगे होते हैं? तो ये बच्चों उत्तल लेंस लगे होते हैं। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगले आपके सामने देखिए प्रश्न है, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? दूर ऊ निकले तो आप उत्तल लेंस याद रखेंगे, और उत्तल लेंस को ही अपसारित लेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मायोपिया में जो है अवतल लेंस लगाया जाता है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, आठवां है, पूछा जा रहा है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो ए वाला हो जाएगा, तो हम यहाँ से ऑप्शन ए को ले लेंगे। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बच्चों वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी को आप चूज कर लेंगे। अगला है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे आप अगर हवा से पानी में जा रहे हैं या हवा से कांच में जा रहे हैं, तो उस समय आपका क्या होता है? तो उस समय जो है ये जो रेखा आती है वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी जो अविलंब आपका होता है या ऐसे आकर के ये अविलंब होता है, ऐसे अगर आएगी तो भी अविलंब की ओर इसको झुक जाना पड़ता है ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ से ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या? सभी को मालूम है कि प्रकाश का प्राकृतिक जो स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश का वैसे प्राकृतिक जो स्रोत है वो यहाँ पर सूर्य होना चाहिए था, जो आपका नहीं दिया गया है। अगला है आपका 12वां प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण, जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर कौन से दर्पण लगे होते हैं? उसके अंदर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न बेहद आसान है, नियम पर है, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री बनता है, तो समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको आपतन कोण की वैल्यू बतानी थी, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच अगर 80 है तो उसका आधा जो है वो कोण बनेगा समतल दर्पण का आपतन कोण, यानी 40 बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो जो उत्तल लेंस होता है अगर उसके फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखा है फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब आखिर कहाँ बनता है? तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बच्चों अनंत पर बनता है। ये आपने सभी स्थितियां जरूर पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। किसी घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है, यानी कौन सी ऐसी घटना है जब हम पानी के अंदर कोई चीज सीधी पेंसिल आप खड़ी करते हैं क्षणी वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये कौन सी घटना? ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है बच्चों। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम
होगी यानी कम हो जाती है। तो जैसा माध्यम अगर आपका निर्वात है तो सबसे अधिक होगी वायु होगा तो उसमें कम होगी, फिर उसके बाद अगर जल होगा तो उसमें और कम होगी, और अगर वो ठोस होगा तो और कम होगी। तो यहाँ पर देखिए ठोस कांच के रूप में है तो यहाँ पर कांच आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती नहीं बदलती नहीं। देखिए प्रकाश की जो चाल है बच्चों तो बदलती है, लेकिन हाँ आवृत्ति जो है उसकी वो बदल जाती, जबकि तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी चूज कर लेंगे, और आपने भी ऑप्शन बी ही यहाँ से निकाला होगा। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यानी कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्तित होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी, इसी के कारण हमें जो प्रकाश वो जो आसमान का रंग है वो नीला बैगनी जो है दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए, और उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और उल्टा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जो हमारी आंखें हैं इसमें जो है नेत्र जो है उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर एक्चुअली बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बच्चों रेटिना पे बनता है, इसको हमें याद कर लेना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है। तो यहाँ पर आपको अदीप्त पिंड को खोज करके बताना है, तो जो आपका 22वां है तो 22वें यहाँ पे सी आपका ऑप्शन सही होगा। सी क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा से जो है आप लाइट प्राप्त नहीं करते, जबकि किसी दूसरी की चमक इस पर पड़ती जिससे ये प्रकाशित रहता है। आपका 23वां प्रश्न है वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जिनके अंदर प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसमें कुछ भाग कहा, अगर पूरा निकालता तो पारदर्शी, और कुछ भाग कहा तो ये आभासी होगी। अगला है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अविलंबोत आपतित होती है तब परावर्तन कोण। अब चूंकि वो अविलंबोत गिर ही रही है, अविलंबोत का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर वस्तु ऐसे ही कोई किरण गिरे तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, यानी इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी शून्य। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण होता है बच्चों उससे प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनता है। अगला है श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सात रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है। तो ये विक्षेपण बच्चों कहलाता है। अगला है मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बनता है आपका पीत बिंदु पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए डी देखिए खुला था, तो हम यहाँ से ऑप्शन डी सही कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से क्या, तो जो हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किसका प्रयोग किया, उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, इसके पहले ही प्रश्न आ चुका है, तो यह विक्षेपण कहलाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित कैसा होता है। तो मानव का जो नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को ही हम लोग अभी सारी लेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में सही है। कुल मिला के आज के 30 प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।